वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में बुधवार को लगाए जाने वाले पुलिस चौपाल के तहत कैन थाने पर पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल के तहत जहां थाने पर आने वाले फरियादियों से पुलिस कर्मियों, चौकीदारों, व्यापारियों सहित अन्य संभ्रांत लोगों से सीधा संवाद किया गया, वहीं उनकी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा भी की गई। साथ ही आमजन में सुरक्षा का एहसास कराने के उद्देश्य से पैदल गश्त कर दुकानदारों, राहगीरों से भी संवाद कर क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया, पुलिस चौपाल के अंतर्गत जनता से सीधे जुड़ने का कार्यक्रम गोरखपुर पुलिस एसएसपी महोदय के निर्देशन में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कैंट थाने पर व्यापारियों की चौपाल लगाई गई। इसके अतिरिक्त विभिन्न गंभीर धाराओं के मुकदमों के जो वादी हैं उनको बुला के उनको विवेचना की प्रगति की जानकारी दी गई और उनको अगर लग रहा है विवेचना में असंतुष्टि है तो उनको विवेचनात्मक प्रगति बताई गई और अभियोगों के शीघ्र निस्तारण के अधीनस्थों को निर्देश दिए गए। इसके बाद ये फ्लैग मार्च जनता में, दुकानदारों में, आवाम से जुड़ने के लिए और उनके अंदर विश्वास की भावना पैदा करने के लिए पुलिस उनके साथ है, ये विश्वास दिलाने के लिए बीच बीच में दुकानदारों से इंटरेक्शन भी किया गया। व्यापारियों ने सर कुछ अपनी समस्याएं भी बताई। हाँ, व्यापारियों ने कुछ एक स्थानों पर जाम की समस्या बताई और टिकट की मांग की तो वहाँ टिकट लगाई जाएगी और जाम की समस्या के निस्तारण के लिए बीच बीच में कुछ जगह रोड पे ज़्यादा कक्ष बने हुए हैं, उसके लिए संबंधित विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी